हेलो पीपल, इट्स मी शान. थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो एंड वेलकम टू माय चैनल. अब हम बात करने वाले हैं एवेंजर्स एंड गेम के बारे में. इसका ट्रेलर मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ, उस ट्रेलर पे वीडियो भी बना चुका हूँ. अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है सो प्लीज़ क्लिक एंड वॉच दैट. अब मैं दोबारा वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि ये है हिंदी ट्रेलर. एंड मैं जानता हूँ, आप लोग भी जानते हैं कि मैं हिंदी में हॉलीवुड मूवी हिंदी में देखना ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे, मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है, मुझे ऐसा फील होता है कि उस मूवी का जो ओरिजिनल टच होता है वो चला जाता है जब उसे हिंदी या किसी और लैंग्वेज में डब किया जाता है. तो वो इंग्लिश में बनाई गई है मूवी, सो आई ऑलवेज ट्राई टू वॉच इट इन इंग्लिश. लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है हमेशा है, वो जब कोई सुपर हीरो मूवी होती है, स्पेशली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की, तो हिंदी का जब ट्रेलर आता है तो मुझे सब लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि हिंदी पे भी वीडियो बनाओ. सो हियर आई एम. एंड ट्रेलर जो था वो बहुत ज़्यादा एपिक था. अच्छा खासा लंबा ट्रेलर था, लेकिन उसमें कुछ भी स्पॉइल नहीं किया गया. बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस आए, अलग अलग थ्योरीज बन रही हैं कि व्हाट्स गोइंग टू हैपन, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है. सो देखते हैं हिंदी में सारे कैरेक्टर्स की आवाज़ कैसी लग रही है, कैसी उन पर सूट कर रही है, एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल. सो एवेंजर्स एंड गेम ऑफिशियल ट्रेलर इन हिंदी. हियर वी गो. आयरन मैन वन. लगता है जैसे पिछले जन्म की बात है, जब मैं उस गुफा से जिंदा निकला, आयरन मैन बना. प्यार कर बैठा तुमसे. मैंने कहा था कि अब कोई हीरोगिरी नहीं करूंगा, लेकिन पता नहीं था कि इतना बुरा कस होगा. एक्चुअली दुनिया बदल चुकी है, और जो हो गया सो हो गया. अब आने वाले कल का सोचो, बीते कल की हार को अब आने वाले कल की जीत बनाना है. Asgard. वो सब मेरे सामने शहीद हुए. सबको समझाता हूँ, जो हुआ उसे भूल जाओ. कुछ तो बोलते हैं पर हम नहीं. अगर रत्ती भर भी उम्मीद है तो कसम हर दोस्त शहीद की हम लड़ेंगे. लड़ेंगे आखिरी सांस तक. आखिरी सांस तक. आखिरी सांस तक. एंड मैन. आखिरी सांस तक. These suits and here's Tony. I love this theme. मुझे ये पसंद है. नहीं, लड़की पे दम है. ओके. यू सी दैट्स वॉट आई वॉज टॉकिंग अबाउट. जैसे मैंने बोला कि वो, आई मीन दिस ट्रेलर वॉज रियली फन. जो वॉइस एक्टर्स हैं वो सारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. वॉइस एक्टर्स ने बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं जब इस टाइप की, स्पेशली इन डबिंग. एक दूसरा कैरेक्टर जो दूसरा एक्टर प्ले कर रहा है उसकी पूरी पर्सनैलिटी अडेप्ट करना, ताकि डायलॉग्स आप उस तरह से बोल सकें डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द सीन, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है. सो आई एम रियली आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द वॉइस एक्टर्स जो ये सब करते हैं. आपको वैसी वॉइस बनाना, उस तरीके से बोलना कि वो उस कैरेक्टर पे, उस एक्टर की पर्सनैलिटी पे सूट करे, बहुत मुश्किल होता है. बट एंड द मेन प्रॉब्लम जो मैंने हमेशा बोली है वो ये है कि जो एक एसेंस होता है ओरिजिनल ओरिजिनल इंग्लिश डायलॉग्स का, वो चला जाता है. एंड समटाइम्स इट डजेंट मेक सेंस. फॉर एग्जाम्पल, जो लास्ट सीन था इसमें थॉर जब स्टॉर्म ब्रेकर लेता है कैप्टन मार्वल के साइड से, सो ही सेज आई लाइक दिस वन. एंड उसकी हिंदी ट्रांसलेशन क्या करी है, लड़की में दम है. इट इज नॉट इवन क्लोज. यू सी डायलॉग पूरा चेंज हो गया. ठीक है, इट साउंड्स फनी, इट साउंड्स कूल, ठीक है.
लेकिन इट्स नॉट वॉट द ओरिजिनल डायरेक्टर राइटर इंटेंडेड इट टू बी, उससे बहुत अलग है, दैट इज द मेन थिंग. एंड ये चीज मुझे थोड़ा लगता है कि यू नो जो ओरिजिनल डायरेक्टर राइटर है वो नहीं चाहते थे, वो नहीं चाहते कि इसे ऐसा कहा जाए. उन्होंने करना होता तो वो इंग्लिश में भी उसी तरह से लिखते उसके डायलॉग को, लेकिन नहीं, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट. बट ठीक है, यू नो सम पीपल प्रेफर इंग्लिश, सम पीपल प्रेफर इट इन हिंदी, यू नो, बट माय पर्सनल प्रेफरेंस विल ऑलवेज बी इंग्लिश, क्योंकि जो यू नो हॉलीवुड मूवीज होती हैं उनका जो मेन, स्पेशली इस टाइप की मूवीज जिनका स्टोरी ड्रिवन होती हैं, जो जिनकी स्टोरी बहुत पावरफुल होती है, बहुत तरह की मूवीज आती हैं हॉलीवुड की, कुछ ऐसी ऐसी एक्शन मूवीज होती है जिनकी स्टोरी में इतना दम नहीं होता लेकिन एक्शन बहुत अमेजिंग होता है. हिंदी में देखनी है, देखो, यू नो मैं भी देखूंगा, इट्स रियली फन टू वॉच इन हिंदी समटाइम्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मूवी आई थी कुंग फू हसल, वो मूवी इंग्लिश में तो फनी है ही है, लेकिन वो हिंदी में जैसे फनी है ना कुंग फू हसल, मतलब उससे फनी यू नो डब्ड मूवी मैंने आज तक नहीं देखी है. उसके डायलॉग्स इतने जबरदस्त हैं हिंदी में. आई मीन इफ यू गाइज रिमेंबर कुंग फू हसल, पुरानी मूवी अगर आप लोगों ने नहीं देखी है इन हिंदी, सो प्लीज वॉच इट एज सून एज पॉसिबल. डाउनलोड करो, कहीं से भी करो, देखो उसे हिंदी में. आई एम सीरियसली सेइंग, आई हाईली रिकमेंड इट, इट विल बी अ लॉट ऑफ फन. यू विल गाइज थैंक मी आफ्टर दैट, ट्रस्ट मी. मतलब एक सिंपल सा डायलॉग क्या होता है, अ गाय सेज अरे चाची पानी चला गया, एंड चाची से क्यों चपड़ गंजू, पानी चाहिए तुझे. आई मीन यू नो यू सी दिस इज समथिंग व्हिच इज सो डैम फनी, इट्स सो कूल. एंड अगर आप जानते हैं कि वो कैरेक्टर्स कैसे हैं, उनकी पर्सनालिटी कैसी है, तो वो और ज्यादा फनी हो जाएगा. इसी तरह जब हैरी पॉटर आई थी, तब हैरी पॉटर द प्रिजनर ऑफ अज़्काबान, तब मैं यू नो आई वॉज इन स्कूल ओनली, एंड उस टाइम पे वो मूवी मेरे समझ में नहीं आई थी. मैंने इंग्लिश में देखी बट द स्टोरी में शायद हो सकता है मेरी इंग्लिश उस टाइम पे इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं उसे प्रॉपरली समझ सकूं, लेकिन मुझे वो मूवी एक्चुअली में हिंदी में देखनी पड़ी. एंड आगे की बाकी हैरी पॉटर्स भी कुछ कुछ मैंने हिंदी में देखी ताकि मैं एक्चुअली में स्टोरी ठीक से समझ सकूं उनकी. सो समटाइम्स हिंदी वॉचिंग अ हॉलीवुड मूवी इन हिंदी इज नेसेसरी. फॉर एग्जाम्पल मैन इन ब्लैक या मैन इन ब्लैक टू, आई डोंट रिमेंबर विच वन, लेकिन कोई एक मैन इन ब्लैक है जो हिंदी में बहुत ज्यादा फनी है. सो समटाइम्स इट्स लाइक यू नो रियली नेसेसरी. जब डेडपूल आई थी, डेडपूल का हिंदी ट्रेलर वॉज रियली अमेजिंग. जिस तरह से उसे डेडपूल 2 भी इनफैक्ट हिंदी में यू नो बहुत ज्यादा फनी कर दिया था, जस्टिस करी थी. मैंने अभी भी याद है डेडपूल वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने कहा था कि हिंदी में करके उन्होंने कुछ बर्बाद नहीं किया उसके डायलॉग्स को, उन्होंने जस्टिस करी है. जो इंग्लिश में डायलॉग्स थे हिंदी में करके उसके साथ जस्टिस करी है. एंड वो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ. लेकिन जो इस टाइप की मूवीज होती है एवेंजर्स एंड गेम जैसी, जिनकी स्टोरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसमें अगर डायलॉग्स ही चेंज हो जाए लैंग्वेज चेंज होने की वजह से, तो फिर उस चीज में वो यू नो फील नहीं आता. या इट इज स्टिल वॉचेबल, स्टिल मजा आएगा, इट्स एवेंजर्स, लेकिन जैसा मैंने बोला दैट एसेंस. सो बट स्टिल इट इज माई पर्सनल ओपिनियन, दैट डजंट मीन दैट यू हैव टू फील द सेम वे. बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इट, एंड जैसा मैंने बोला एवेंजर्स एंड गेम रियली वेरी एक्साइटेड, रियली हाइप्ड. एंड जब पहले मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैं ये चीज कहना भूल गया था, अब कह देता हूँ. जो लास्ट सीन है जिसमें ये सब लोग अलग अलग यू नो बिल्कुल डिफरेंट कॉस्ट्यूम है, जिसमें एस्ट्रोनॉट टाइप कॉस्ट्यूम पहना हुआ इन्होंने, व्हाइट ब्लू एंड रेड, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ दैट सूट विल हेल्प देम टू गो इन टू क्वांटम रियल्म और टाइम ट्रेवल, आई डोंट नो. क्योंकि अभी तक हमें डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में कुछ भी नहीं दिखाया है, वो भी था जो वैनिश हो गया था थैनोस की स्नैप के बाद, लेकिन अब पता नहीं टाइम ट्रेवल इसमें होगा नहीं होगा, या क्वांटम रियल में जाके टाइम वॉर्टेक्स में जाके किसी तरह से टाइम ट्रेवल होगा, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन. लेकिन उसकी उससे रिलेटेड ही है जो सबने वो सूट पहना हुआ है, क्योंकि या तो वो क्वांटम रियल में जा रहे हैं या फिर वो टाइम ट्रेवल करने जा रहे हैं. सो दैट इज व्हाट आई थॉट, इसीलिए सब लोगों ने एकदम सेम कॉस्ट्यूम पहनी है. सो दैट्स इट. आप मुझे बताइए व्हाट इज, इफ यू वांट टू से समथिंग न्यू या ऐसी कोई चीज जो मैंने स्टिल मिस कर दी हो तो आप मुझे बताइए. एंड अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करिए इस वीडियो को, कमेंट करिए इस वीडियो पे, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को अगर आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं. एंड अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर, स्टारडस्ट एंड बाकी सारी सोशल मीडिया एप्स पे. सारे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. एंड बस जल्दी मिलूंगा आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.